लॉकडाउन के समय से ही बिहार सरकार ने कार्डधारियों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा तो कर दी, पर हकीकत ये है कि अभी भी बिहार में लाखों गरीबों का राशन कार्ड तक नहीं बना है। सरकार के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, तो ऐसे में गरीबों को मुफ्त राशन कैसे मिलेगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। इसी कड़ी में सरकार की मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठाने को लेकर राशन कार्ड बनवाने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एक ही काउंटर होने के कारण अलग अलग पंचायतों से आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण हंगामा करने की नौबत आ गई। 7 बजे से 7 बजे से लगे हैं तो अभी तक आपका जमा नहीं हुआ? नहीं। कौन सा पंचायत में? नौसा पंचायत। नौसा पंचायत में है राशन कार्ड के लिए? मुखिया का आप नहीं दिया, मुखिया ने। इस पूरे मामले को लेकर माले नेता ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने का फॉर्म जमा करने का सिर्फ एक ही काउंटर है और अधिकारी भी काउंटर बढ़ाने पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जनता 4 बजे भोर से ही लाइन में खड़े और एक काउंटर है जिसके लेकर अफरा तफरी मचा हुआ है। मैं सीओ से वीडियो से भी बात किया, उन्होंने कहा कि जिला के ही जीवे ये है काउंटर बढ़ाने का, उन्हें तत्काल आप काउंटर बढ़ाइए और नहीं तो जनता कह रही है कि हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकि अगर सरकार राशन बनाने का जो कार्ड बनाने का जो फैसला लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड बने, राशन मिले। इसके लिए सरकार को चाहिए पंचायत बाई पंचायत, वार्ड बाई वार्ड लोगों को आवेदन जमा करें। आपको बता दें कि अगर इसी तरह सरकार की तरफ से लापरवाही होती रही तो फिर जनता तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की योजना गलत साबित होगी। पुतो के लेके इतने को बच्चा के लेके आवे है आओ। काची के लिए आए यहाँ? दो बच्चा के कार्ड पर नाम जोड़वा राशन कार्ड के लिए। पटना से अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।